ओम नमः शिवाय जय श्री महाकाल हर हर महादेव दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है है और आपका बहुत आभार है। आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना स्क्रीन के ऊपर नंबर ही रहे हैं आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों नवरात्रि में अगर आप ये उपाय एक बार कर लेंगे तो आपकी जितनी सारी परेशानियां हैं आप बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं आप बहुत तनाव में है डिप्रेशन में आपके काम नहीं बन पा रहे आप अपने जीवन में परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं बहुत परेशानियाँ पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं तो कैसी भी खराब से खराब सिचुएशन में आप फंसे क्यों ना हो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हो आपका काम नहीं बन रहा शादी नहीं हो रही नौकरी रोजगार व्यापार सही से नहीं चल पा रहा इन सभी छुटकारों से सभी परेशानियों से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ नवरात्रा में इन तरीकों से जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दरअसल बात ऐसी है कि ये जो नौ दिन है ये शक्ति के दिन है ये उपासना के दिन है और इन्हीं नौ दिनों में हम बहुत सारे अच्छे कार्य कर सकते हैं जिनसे कि हमारे जीवन को हम बदल सकते हैं तो वो क्या है हम आज इस विस्तारपूर्वक इस वीडियो में समझेंगे और समझने के बाद उन्हें आप अपने जीवन में जरूर करें मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा ये भी निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना स्क्रीन पर नंबर चल रहा है व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात जरूर करें शायद आपकी समस्या का एक सकारात्मक समाधान आपको यहाँ जरूर मिले सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि अपने घर के आसपास जो भी माता का पांडा लगा हुआ है जो भी शक्ति उपासना का पांडा लगा हुआ है वहां पर पांच रंग के धान पांच तरह के धान आपको देना है पांच अलग अलग तरह के एक क्वांटिटी में देना है अगर सौ ग्राम तो पांचों सौ ग्राम देना है अगर आधा किलो तो पांचों आधा किलो आपको देना है इससे आपके राहु शनि से संबंधित जितने सारे भी नेगेटिव चीजें वो खत्म होगी और माँ आप पर कृपा करेगी दूसरा है कि जो भी जो अखंड ज्योत जलती है उसके लिए आपको घी प्रदान करना है और पांडाल में कपूर आपको देना है जो भी आपके घर के आसपास हो या जो माता जी का मंदिर हो जो उपासना का मंदिर हो वो जरूर और तीसरा इन नौ दिनों तक एक खुद के ऊपर प्रयोग करें नौ दिनों तक बहुत ज्यादा सकारात्मक रहे कुछ भी हो जाए खुद को नौ दिन सकारात्मक रखें तो वो सकारात्मक शक्ति आपके साथ पूरे साल भर रहेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे और आप अपनी परेशानियों से बाहर हमेशा के लिए आ जाएंगे ओम नमः शिवाय